नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कोड कन्वर्जन के बारे में, और इस बारे हम लोग बात करेंगे ऑक्टल कोड्स की, यानी कि ऑक्टल कोड को हम लोग बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में या डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं कि ऑक्टल कोड्स की थोड़ी सी नॉलेज के बारे में। जैसे कि ऑक्टल कोड का हम लोग को बेस मालूम है क्या होता है, 8 बेस होता है, ठीक है। 0 से लेकर यहाँ पर हम लोग 7 तक के डिजिट्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। पहला केस ले लेते हैं कि ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक। ये बिल्कुल सेम कन्वर्जन है जैसा कि बाइनरी टू डेसिमल में होता था, ठीक है, वैसा ही यहां पर भी कन्वर्जन होगा। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्टल का, मान लीजिए 238 हमने ले रखा है, 237 या 6, जो भी आपको एग्जाम्पल लेना है। और इसका बेस क्या हो जाएगा, 0 से ले बेस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका, ठीक। एग्जाम्पल हमने ले लिया है 237, बेस 8, हमें चेंज करना है डेसिमल में, जिसका बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, डिजिट्स को सेपरेटली लिख लेते थे, 237, ठीक है, 237 लिख लिया। अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्टल के बेस से, यानी कि 8 से। जब हम लोग बाइनरी टू डेसिमल में बात कर रहे थे अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, तो हमने क्या देखा था कि वहां पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बाइनरी से डेसिमल में जा रहे थे, तो बाइनरी का बेस 2 था, इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां पर हम लोग ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं, तो ऑक्टल का बेस क्या होगा, 8 होगा, तो इसीलिए हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। सारी चीज़ें यहां पर ऐड अप हो जाएंगी, पावर यहाँ पर लगा देंगे, राइट हैंड साइड से मैंने कहा था शुरू करते हैं, तो पावर हो जाएगी 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 पावर लग जाएगी, ठीक है। तो 8 की पावर 2 64 टू से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 128, ठीक। 8 की पावर 1 8 3 जा 24 हो गया, और यहाँ पर ये 7 हो गया, ठीक। ऐड अप कर लेते हैं, 24 और 7 12 19 51, तो क्या हो गया, 159 टू द बेस 10, ठीक है। नॉर्मल सा कन्वर्जन है, वही चीज हमने की है, सेपरेटली लिख लिया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, क्योंकि ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं, तो ऑक्टल का बेस क्या है, 8 है, तो 8 से हमने मल्टीप्लाई किया। पावर्स हमने राइट हैंड साइड से लगाई, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, हर चीज यहां पर राइट हैंड साइड से हो रही है। इसको नॉर्मली सॉल्व कर लिया, फिर एड अप कर लिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया है 159 टू द बेस 10। बेस 10 का मतलब क्या है कि ये डेसिमल कोड में कन्वर्ट हो चुका है। इस ऑक्टल कोड के लिए ये है डेसिमल कोड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेसिमल में कन्वर्जन। अब हम लोग बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन देख लेते हैं, किस कोड का, ऑक्टल कोड का, ऑक्टल टू बाइनरी और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। बहुत ही इजी वे है, मान लीजिए हम लोग बात करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी की। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाइनरी टू ऑक्टल में हम लोग क्या करते थे, ग्रुपिंग करते थे, ठीक है। हम लोग मतलब पर्टिकुलर जो हमें बाइनरी कोड दिया होता था, हम लोग राइट हैंड साइड से 3-3 बिट्स की या 3-3 डिजिट्स की हम लोग क्या करते थे, ग्रुपिंग करते थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बाइफरकेट करना है, मतलब उस पर्टिकुलर डिजिट का वेट्स हमें यहाँ पर डिसाइड करना है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले रखा है 237 टू द बेस 8, क्योंकि ये ऑक्टल कोड है, तो इसको ऐसे करके लिख लिया, ठीक। अब 7 को बाइनरी के फॉर्म में 3 बिट्स में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल है, 111। इसका अगर आप वेट देखेंगे 421, तो कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, मतलब ये कोड सही है हमारा, ठीक है। ये 111 हो गया, इसके लिए 3 के लिए क्या हो जाएगा, 011, और 2 के लिए क्या हो जाएगा, 010, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा बाइनरी कोड बन गया है, 010, 011 और 111, ठीक, टू द बेस 2, सिंपल है।
जो हमें डिजिट्स दिए हुए हैं कोड में, उसको हमने उसका वेट हमने डिसाइड 421 कोड के हिसाब से, 421 कोड क्यों लेते हैं, क्योंकि 3 बिट का है। जब 8421 कोड लेंगे, कब लेंगे, जब वो 4 बिट का होगा, जब हेक्साडेसिमल में जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3-3 के हिसाब से ये लिख लिए हैं और ये हमारा कोड क्या बन गया है, बाइनरी कोड। अब बाइनरी कोड बन गया है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए बहुत ईजी है, क्या कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। तो ये कोड हमारा बन गया बाइनरी कोड। अब इसी कोड के लिए हमें हेक्साडेसिमल कोड निकालना है, तो ये बाइनरी बना रखा है हमने, इसी बाइनरी का क्या कर देंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। तो 0100111111, ठीक है, राइट हैंड साइड से 4-4 की ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक, इसका वेट क्या हो गया, 15 हो गया है, पूरा 15, यानी कि ई हो जाएगा। ये हो गया 8 और 1 9, और ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि कोड क्या बन गया, 09E या 9E भी आप लिख सकते हैं, टू द बेस 16। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल में जब भी हम लोग किसी भी कोड में डेसिमल में जाएंगे, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा दे रहा हूँ, बाइनरी टू डेसिमल में जाएंगे तो हम लोग किसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 से, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 था, तो 2 से हम लोग सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर लगा देंगे राइट हैंड साइड से। ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें ऑक्टल टू डेसिमल जाना है तो ऑक्टल का बेस क्या था, 8 था, तो 8 को हम लोग सारी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर लगा देंगे राइट हैंड साइड से, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल में जाना होगा तो हेक्साडेसिमल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्साडेसिमल में बेस क्या होता है, 16 होता है, तो हम लोग 16 से सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हम लोग आने वाली वीडियो लेक्चर्स में देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या था, ऑक्टल टू डेसिमल था, ऑक्टल का बेस होता है 8, तो हमने 8 से, तो हमने क्या कर दिया, 8 से सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड से हमने पावर लगा दी 0 1 2। ठीक है, सॉल्व कर दिया और एड अप करके हमारा फाइनल आंसर आ गया है डेसिमल कोड में। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन ये हो गया है। ऑक्टल टू बाइनरी कोड के लिए क्या करना है, हमें वहां पर हमने बाइनरी टू ऑक्टल में ग्रुपिंग की थी, यहां पर हमें बाइफरकेशन करना है, मतलब हर एक डिजिट का कोड बनाना है, बाइनरी कोड कैसा होगा। ठीक है, तो वो हमने 7 के लिए यहाँ पर बना लिया है, 3 के लिए बना लिया है और 2 के लिए बना लिया है। ठीक, अब उसी को कंबाइन करके हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारा कोड क्या बन गया है, बाइनरी कोड। ठीक, अब ऑक्टल से हमें हेक्साडेसिमल में जाना है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तो हमने क्या किया, पहले बाइनरी बना लिया। ठीक है, यही तरीका है, आपने पहले बाइनरी बना लिया, फिर बाइनरी से आपने ग्रुपिंग करके आपने क्या बना लिया, हेक्साडेसिमल का कोड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस एक ये स्टेप एक्स्ट्रा रहेगा ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाने में, कि आपको बाइनरी में कन्वर्जन करना पड़ेगा, फिर बाइनरी से आपने तुरंत 4-4 की ग्रुपिंग करके आपको यहाँ पर हेक्साडेसिमल का कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए हमने ऑक्टल कोड डिसाइड कर लिया है, ऑक्टल कोड हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि कैसे क्या होना है। यहाँ पर आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बाकी के जो हमारे कोड्स बचे हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही, थैंक यू।